हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर सब्सक्राइब करने के बाद आप ये बेल आइकन दबाएंगे तो हमारे जितने भी अपलोड्स हैं, जितने भी पॉपुलर अपलोड्स हैं, वो आपके पास ऑटोमेटिक मिलते चले जाएंगे। और साथ में आपको मिलेंगे हमारे सारे पॉपुलर चैनल्स जिसे देखकर आप इंटरटेन होंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज टैप द बेल। थैंक यू। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है और हम आपको बताएंगे चैत्र नवरात्रि के अभूतपूर्व टोटके जो आपके घर में सुख और समृद्धि लाएगा। चैत्र नवरात्रि शुरू हो रहा है 6 अप्रैल को और ये 14 अप्रैल को समाप्त होगा, इसका समापन होगा 14 अप्रैल। शनिवार से शुरू होकर रविवार तक रहेगा पूरे 9 दिन। तो चैत्र नवरात्रि का अपना एक महत्व है। चैत्र नवरात्रि के दिनों में आप कोई भी टोटका करते हैं, कोई भी उपाय करते हैं तो जरूर फलीभूत होता है। तंत्र शास्त्र का भी यह मानना है कि इन 9 दिनों में किए गए टोटके जल्दी ही शुभ फल देते हैं। तंत्र मंत्र में विश्वास करने वाले कुछ लोग तो हर नवरात्र में टोटके करते हैं। इस समय किए गए टोटके तुरंत असर देते हैं और माना जाता है कि नवरात्र में यदि टोटके किए जाएं तो आपकी समस्या बहुत जल्द हल हो जाती है। तो चलिए हम आपको बताना शुरू करते हैं कि यदि आपके घर में क्लेश हो, किसी से बनता नहीं हो, कभी किसी से कम बनता हो, कभी किसी से ज्यादा बनता हो, तो यदि आपके घर में पारिवारिक समस्याएं ज्यादा है तो नवरात्र के अंतिम दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर सब नर करहीं परस्पर प्रीति चलहीं स्वधर्म निरत सूति नीति इसका उच्चारण करते हुए अग्नि में घी से 108 बार आहुति दीजिए। घी के आहुति देने के बाद सब नर करहीं परस्पर प्रीति चलहीं स्वधर्म निरत सूति नीति इसका घर में प्रतिदिन कम से कम 21 बार जाप कीजिए और हो सके तो परिवार वाले को भी आप जाप करने के लिए कहिए। इससे परिवार का जो माहौल है वो बहुत ही तेजी से बदलेगा। अब दूसरा उपाय, नवरात्रि में पूजा के समय प्रतिदिन माता को शहद और इत्र चढ़ाना कतई न भूले। 9 दिन के बाद जो भी शहद और इत्र बच जाए उसे प्रतिदिन माता का स्मरण करते हुए खुद इस्तेमाल करें। मां का आप पर सदैव कृपा दृष्टि बनी रहेगी। नवरात्र में माता दुर्गा जी को शहद को भोग लगाने से भक्तों को सुंदर रूप प्राप्त होता है, व्यक्तित्व में ऑटोमेटिक एक तेज आ जाता है। अष्टमी या नौमी तिथि को साफ स्थान पर उत्तर दिशा में मुंह करके आप बैठ जाइए। अपने सामने लाल चावलों की एक ढेरी बनाकर उस पर श्री यंत्र रखें। श्री यंत्र के सामने तेल के 9 दीपक जलाकर उपासना करें माता की और आप मांगिए, जो मांगेंगे मिलेगा आपको। अब पूजा के बाद श्री यंत्र को पूजा स्थल पर स्थापित कर दें और अन्य सामग्री को बहते हुए जल में छोड़ दीजिए। बहुत जल्द आपको धन लाभ होगा। इस उपाय को करने से व्यक्ति की दरिद्रता का नाश हो जाता है। अब अगला उपाय सुनिए, नवरात्र में माता दुर्गा की आराधना लाल रंग के कंबल के आसन पर बैठकर करना अति उत्तम माना गया है। इससे सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। नवरात्रि में अस्थाई लक्ष्मी प्राप्ति के लिए नित्य पान में गुलाब के साथ पंखुड़िया रखकर माता दुर्गा को अर्पित कीजिए और उसके बाद नवरात्र में प्रतिदिन आप मंत्रों का जाप कीजिए। मंत्र बहुत सिंपल है, सर्व मंगल मांगले शिव स्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। हम मंत्र वापस बोल देते हैं, आप सुन लीजिए। सर्व मंगल मांगले शिवे स्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दूसरा मंत्र है ओम जयंती मंगलाल काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। वापस सुन लीजिए, ओम जयंती मंगलाल काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। आप ये मंत्र का जाप कर सकते हैं। अष्टमी तिथि को
शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर दूध दही घी शहद और शक्कर चढ़ाकर अच्छे से स्नान कराइए शिवलिंग को। इसके बाद मंदिर की सफाई करें और महादेव का श्रृंगार पूरे मन से करें और भोलेनाथ का ध्यान करते हुए आप मंदिर से जाइए। इसी दिन रात में करीब 10 बजे मंदिर में फिर जाकर अग्नि प्रज्वलित कर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए घी की 108 आहुति दीजिए। इसके बाद 40 दिन तक इस मंत्र का 5 माला जाप घर पर करिए। ऐसा करने से आपकी जितने भी मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो जाएगी, निश्चित तौर पर पूरी होगी। नवरात्रि में प्रातः श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से हर कार्य सफल होंगे। कार्यों में कोई भी विघ्न आए वो सारे विघ्न खत्म हो जाते हैं। इस बार नवरात्रि शनिवार से शुरू हो रहा है, चैत्र नवरात्रि जो है, तो नवरात्रि को माँ दुर्गा के साथ बजरंगबली की पूजा विशेष फलदायी होगी। तो इस दिन जो भी भक्त हनुमान चालीसा का पाठ करता है या सुंदरकांड का पाठ करता है तो उसे शनिदेव सताएंगे नहीं। नवरात्रि में हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने का ये उपाय आप कर सकते हैं। नवरात्र के शनिवार को सूर्योदय के पहले पीपल के 11 पत्ते लेकर उन पर राम नाम लिख दीजिए और इन पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को पहना दीजिए। इससे कारोबार की सभी परेशानियां दूर होगी और यह प्रयोग आप बिल्कुल चुपचाप कीजिए, किसी को सुनने सुनाने की जरूरत नहीं है। यदि आपका विवाह नहीं हो रहा है तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूं, लाख कोशिशों के बाद भी आपका विवाह के लिए लड़के या लड़की का चयन नहीं हो पा रहा है तो ये उपाय आपके विवाह में आने वाले बाधाओं को दूर कर देगा और इस उपाय के संपन्न होने के कुछ दिन बाद ही आपका रिश्ता पक्का हो जाएगा। नवरात्र के पहले दिन पूजा के स्थान पर शिव पार्वती का चित्र स्थापित करें। प्रतिदिन ओम शन शंकराय सकल जन्मार्जित पाप विध्वंसाय पुरुषार्थ चतुष्टय लाभाय च पति में देहि कुरु कुरु स्वाहा। मैं मंत्र वापस बोल रहा हूं, मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगा। ओम शं शंकराय सकल जन्मार्जित पाप विध्वंसाय पुरुषार्थ चतुष्टय लाभाय च पति में देहि कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का 3 या 5 माला जाप कीजिए। ऐसा करने से आपको मनपसंद जीवन साथी मिलेगा, निश्चित तौर पर मिलेगा। यदि किसी जातक का लाख प्रयासों के बावजूद भी कर्जे से पीछा नहीं छूट रहा है तो नवरात्रि में मां के श्री चरणों में 108 गुलाब के पुष्प अर्पित कीजिए। प्रातः माता की पूजा के समय 1.25 किलो साबुत लाल मसूर लाल कपड़े में बांधकर अपने सामने रख दीजिए। घी का दीपक जलाकर माता के किसी भी सिद्ध मंत्र का 108 बार जाप करें। पूजा समाप्त होने के पश्चात मसूर को अपने ऊपर से 7 बार उतार कर किसी भी सफाई कर्मचारी को दान में दे दीजिए। इससे माता की कृपा होगी और कर्जे से आपको छुटकारा मिल जाएगा। और यदि आपके ऊपर कर्ज है, किसी व्यक्ति के ऊपर कर्ज है, लाख चाहने पर भी नहीं उतर रहा है, तो जीवन भर एक नियम बना लीजिए, उसे नित्य चींटियों को शक्कर मिलाकर आटा या पंजीरी किसी पेड़ के नीचे जहाँ पर चिट्ठियों का बिल है वहाँ पर डालना शुरू कीजिए। इस प्रयोग को लगातार करते रहने से कर्ज समाप्त हो जाता है और फिर इतनी आमदनी होने लगती है कि कर्ज को भविष्य में लेने की जरूरत ही नहीं रहती है। इस प्रयोग को अगर किसी शुभ मुहूर्त नवरात्र में किया जाए तो इसका जो फल है वो बहुत शीघ्र मिलता है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। यदि आप बेरोजगार हैं या नौकरी बदलना चाहते हैं तो नवरात्र में अष्टमी वाले दिन शुद्ध कपड़े पर बैठकर आपको उपासना करना है। नौकरी या रोजगार प्राप्ति के लिए ओम ह्रीम वागवादिनी भगवती मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु फट स्वाहा इस मंत्र का जाप 21 या 31 दिन तक करना है, रोजगार प्राप्ति में मदद मिलेगी। मंत्र मैं वापस पढ़ देता हूँ। ओम ह्रीम वागवादिनी भगवती मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु फट स्वाहा, ये मंत्र है, निश्चित तौर पे आपको नौकरी मिलेगी। यदि आपका जीवन परेशानियों और अस्थिरता से भरा हुआ है तो नवरात्रि के 9 दिन दुर्गा सप्तशती का 1 या अधिक बार पाठ कीजिए। इसके बाद माँ भगवती को लौंग और कपूर से आरती कीजिए, निश्चित तौर पे
आपका काम होगा। हमेशा याद रखिए कि नवरात्रि में दिल खोलकर आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करें। इन दिनों आपके द्वारा दान पुण्य करने से उसका अक्षय फल प्राप्त होता है। आप प्रतिदिन छोटी कन्याओं को कोई ना कोई उपहार अवश्य दें। अपने माता पिता, बहन भाई और पत्नी को कोई ना कोई उपहार देकर चकित जरूर करते रहें। गरीब और असहाय की मदद करने का मौका तो बिल्कुल भी नहीं गंवाएं। यकीन मानिए उन सभी के मुख से आपके लिए शुभ वचन निकलेंगे और उनकी दुआएं जो हैं आपको काम आएगी। आपने माता का आह्वान किया है, उन्हें अपने घर में बुलाया है, इसलिए सुबह शाम को जो भी घर में भोजन बनाए सबसे पहले उसको देवी माँ को भोग लगाएं और उसके बाद ही घर के सदस्य उसका सेवन करें। याद रहे कि माता या किसी मेहमान को भूखा नहीं रखें। नवरात्र में आप अनावश्यक व्यय से बचें। यदि संभव हो तो इन दिनों सोने चांदी के गहने, कपड़े, बर्तन, कुछ ना कुछ नया सामान अपनी सामर्थ्य के अनुसार अवश्य खरीदें और इसे उपयोग में लाने से पहले माता के चरणों में लगाएं। इससे घर में सुख और सौभाग्य आता है, अस्थाई संपत्ति का वास होता है। अब मेरे ख्याल से मैंने बहुत सारे आपको टोटके बता दिए हैं, उपाय बता दिए हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ भी यदि आप करते हैं तो आपको ऐसे भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो मैंने काफ़ी कुछ बता दिया, आप कर लीजिए। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए और हम चाहेंगे यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप उन्हें शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।